हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिफ्रेक्शन। ठीक है, चलो दो चीजों को समझते हैं। अगर कोई दीवाल है, देयर इज अ वॉल, ओके, और उस दीवाल पर अगर एक बॉल को आप दे मारते हो, लाइक यू हिट द बॉल ओवर द वॉल, तो क्या होगा? वो बॉल जब दीवाल को टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी? वो टकरा के वापस से आएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज जो जाकर टकरा के वापस आ जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन उसी के जगह पर अगर समझ लो आपने एक कांच रख दिया है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये एक वॉल था, ये एक ट्रांसपेरेंट है। अब यहां पर क्या करते हो आप? लाइट मारते हो, ठीक है, लाइट का एक बीम रिलीज करते हो, तो लाइट क्या होगा? इस ट्रांसपेरेंट कांच से पास हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट रिफ्रेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन में बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि जो टकरा के वापस आ जाए, द थिंग्स विच रिफ्लेक्ट बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, एंड जो आर पार हो जाए इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन। ठीक है, तो रिफ्रेक्शन को चलो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट धीरे धीरे, क्या है ये टॉपिक, रिफ्रेक्शन वर्ड क्या है और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रॉपर समझने के लिए एक और चीज को हमको समझना है और वो है मीडियम। ठीक है, ये मीडियम वो लैंग्वेज वाला मीडियम नहीं है स्टूडेंट। जैसे मैं कहूंगा कि हवा, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, वैक्यूम एक मीडियम है, तो मीडियम का मतलब यहां पर हो गया कि कोई ऐसी चीज जिसमें किसी भी चीज को ट्रैवल करनी है। जैसे आप रोड पर चल रहे हो तो आपकी स्पीड अलग होगी, आप पानी में चलोगे तो आपकी स्पीड अलग होगी। ये जो आपकी स्पीड है अलग अलग मीडियम में, ये रीजन है कि वहां पर कुछ तो डिफरेंस है जो आपके स्पीड को ज्यादा कम कर रही है। यस, एग्जैक्टली। इस मीडियम वाले कंसेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल से स्टूडेंट। मैं यहां पर एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं, एक कांच का स्लैब ले रहा हूं, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको आपके स्कूल में भी कराया जाएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर रहे हैं मालूम है, यहां पर ये ग्लास पर एक 90 डिग्री का लाइट बना दिया और इस लाइन को कहते हैं बच्चों नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? ग्लास है और बाहर कौन सा मीडियम है? एयर, हवा मीडियम है। तो ये देखो, ये दो मीडियम है, एक एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम। चलो समझते हैं, एक लाइट है, उस लाइट को मैं क्या कर रहा हूं यहां पर छोड़ रहा हूं, मैंने ट्रैवल करवा। अब ये लाइट देखो, जब ये पास होगी मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जब ये एंटर करेगी, इस लाइट को जानी कैसे चाहिए थी? एकदम इस तरीके से स्ट्रेट, राइट। लेकिन स्ट्रेट जाने के बजाय ये क्या करती है? लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। थोड़ी सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो यहां पर हुआ क्या कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रे ऑफ लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो इस नॉर्मल लाइन, ये जो नॉर्मल आप देख रहे हो परपेंडिकुलर देख रहे हो 90 डिग्री, ये नॉर्मल के तरफ क्या होती है? रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, अब ये लाइट जब वापस और आगे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये आया है यहां पर आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा? नॉर्मल। क्या ड्रॉ हो जाएगा? नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट अब जानी कैसे चाहिए? इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन ये इधर जाने के बजाय वापस से बेंड हो जाती है और ये चले जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर चले जाती है। तो एयर जो है स्टूडेंट, इसको कहते हैं रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। एयर जो है वो बेसिकली रेयर मीडियम होता है और जो ग्लास है वो बेसिकली डेंस मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स, ग्लास के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसके लिए उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसके लिए उसको कहते हैं रेयरर मीडियम। ये जो लाइट यहां से ट्रैवल कर रही है, इस लाइट
इस रे को कहते हैं स्टूडेंट इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है। यस, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये तो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर आप समझ गए करके कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो और जब डेंस से रेयर में जा रही है तो क्या होगा? देखो ये एयर आ गया वापस से। सो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो तो एक बात बताता हूं कि ये जो डॉटेड लाइन यहां पर थी, इमेजिनरी लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन अब क्या हो जाएगी? दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो यहां पर मैंने आपको ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट बताया अभी जस्ट। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास और ये आपके स्कूल के एक्सपेरिमेंट में भी है। ठीक है, आप यही वाला एक्सपेरिमेंट प्रिज्म के साथ भी कर सकते हो। चलो मैं आपको प्रिज्म के साथ करके दिखाता हूं। ये रिफ्रैक्शन, ये ले लिया हमने एक प्रिज्म। ठीक है, ये ले लिया हमने एक प्रिज्म। अब इस प्रिज्म पे क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री आप ड्रॉ करोगे इस प्रिज्म पर। ठीक है, देखो एक 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है ये एयर है, मतलब ये रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास है, मतलब ये डेंसर मीडियम है। राइट स्टूडेंट, अब देखो यहां पर एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। ये रे ऑफ लाइट है, मतलब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, अब क्या होगी? रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट मतलब अंदर जाएगी तो वो दूर भागेगी नॉर्मल से या नजदीक आएगी नॉर्मल के? एग्जैक्टली, वो नॉर्मल के नजदीक आएगी। अगर आपके पास स्केल होगा तो आप देखोगे ये लाइट को जानी तो चाहिए थी इस तरीके से आगे, लेकिन ये बेंड हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट? बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। राइट, अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है इसने इसके साथ नॉर्मल के साथ क्या फॉर्म किया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म किया। ये आपका नॉर्मल है 90 डिग्री। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी? यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। अब ये लाइट जब बाहर निकलेगी मतलब ग्लास डेंस से वापस रेयर में जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? दूर भागेगी नजदीक आएगी। ये जानी तो चाहिए थी इस तरीके से स्ट्रेट, लेकिन चली जाएगी इस तरीके से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आपको समझ गया होगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर से डेंसर, देखो रेयर से डेंसर तो हम लोग कहेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लेकिन उसी जगह पर डेंसर से रेयरर अगर जाएगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट करके बताया कि रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में अगर आप बताऊं तो एक कांच का ग्लास लेना, उसमें आप पानी भर दो आधा ग्लास और चम्मच को उसके अंदर डिप करके देखो। ठीक है, तो आप देखोगे आपका चम्मच या फिर कोई भी एक हार्ड ऑब्जेक्ट आप जब डिप करोगे तो देखोगे वो ऑब्जेक्ट अंदर जाके थोड़ा सा बेंड हो गया है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? सच में क्या वो ऑब्जेक्ट बेंड हो गया? डेफिनेटली नहीं। ये रे ऑफ लाइट है जो आपको ऐसा दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जाकर अंदर बेंड हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। ओके?